अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। आज मैं बना रही हूँ टमाटर की चटनी। तो यहाँ पे ऑयल गरम कर लिया है, उसके बाद जो है यहाँ पे देखिए प्याज है, ठीक है। प्याज मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी और वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा, फुल वॉच कीजिएगा ताकि आपको आगे के इसके जो है इन्ग्रीडियंट्स पता चल सकें, ठीक है। तो इसको जो है मैं थोड़ा सा पिंक कर लूँगी, उसके बाद फिर मैं आपको उसके जो और मसाले ऐड करूँगी वो दिखाऊँगी। अच्छा देखिए, प्याज जो है थोड़ी सी सॉफ्ट हो गई है और थोड़ी थोड़ी जो गोल्डन हो रही है, बस इतनी काफ़ी है, ठीक है। और अब हम इसके अंदर जो है नमक ऐड कर देंगे, ठीक है। और साथ ही जो है मैं इसके हल्दी ऐड कर दूंगी और यहाँ पे जो है मैं लाल मिर्च पाउडर जो है इसके अंदर ऐड कर दूंगी। आप चाहें तो कुटी हुई मिर्चें भी इस्तेमाल कर सकते हैं इसमें, ठीक है। और उसके बाद जो है थोड़ा सा इसके अंदर मैं अदरक लहसुन का पेस्ट डालूंगी। ये थोड़ा सा मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट ले लिया है, ठीक है। और अब इसको जो है मैं अच्छी तरीके से मिक्स कर लूँगी। अच्छा, आपके पास अगर कड़ी पत्ता हो तो आप कड़ी पत्ता भी इसमें जो है ऐड करिएगा, तो इसकी बड़ी अच्छी सी खुशबू आ जाती है, ठीक है। और अब बस मैं इसके अंदर जो है टमाटर ऐड कर दूँगी। तो ये देखिए यहाँ पे जो है हमारे टमाटर हैं, ठीक है। मैंने बारीक इसको कट मतलब नॉर्मल साइज़ जो है कट किया है और बस इसके अंदर मैं डाल दूँगी। और उसके बाद जो है हम थोड़ा सा इसको ढक के रखेंगे ताकि थोड़े से सॉफ्ट भी हो जाएँ और जो है फिर मिक्स हो जाएंगे। उसके बाद जो है फिर और इन्ग्रीडियंट्स इस तरह डालूँगी। ये देखिए जी, यहाँ पे जो है हमारा जो चटनी की थी वो हो गई थी, ठीक है। टमाटर सॉफ्ट हो गए थे और उसमें जो है बस पानी मिक्स कर रही थी। उसके बाद जो मैंने हरा धनिया और इसमें जो है हरी मिर्चें डाली हैं, तो आपको अगर पसंद हो तो आप डाल सकते हैं, ये टोटली ऑप्शनल है। और कड़ी पत्ता से लाजमी डालिएगा तो आपको उसकी उसकी खुशबू जो है उसका जो टेस्ट आएगा बड़ा अच्छा आएगा। तो आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मुझे बताइएगा कि आपको कैसी लगी। तो मैं बस आपको जो है सर्व करके फिर दिखा दूँगी, तकरीबन ये रेडी हो गई, ठीक है। तो बस इसको मैं मिक्स करके दम पे रख दूँगी और उसके बाद चूल्हा बंद कर दूँगी और उसके बाद जो है मैं कड़ी पत्ते का लास्ट में भगार करूँगी, तो मैं फिर आपको सर्व करके दिखा दूँगी। ये देखिए जी इसका फाइनल लुक, ठीक है। आप लोग इसको ज़रूर ट्राई कीजिए, यकीन आपको भी पसंद आएगी, ठीक है। इसको चावलों के साथ आप इन्जॉय कर सकते हैं या पराठे वगैरह के साथ आप इन्जॉय कीजिएगा। और इस पर कड़ी पत्ता डालेंगे तो और भी ज़्यादा ये मज़े की हो जाएगी, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।